नमस्कार, मैं टीवीटी सदस्य गीता मिश्रा आप सबको गांधी जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामना देती हूँ। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि सब साल गांधी जयंती आती है, लोग शुभकामना देते हैं, गांधी जी की का गुणगान करते हैं, गांधी जी पे माल्यार्पण, उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं। लेकिन गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के आचरण को, उनकी भाव को जीवन में लोग नहीं उतारते हैं। मेरे समझ से गांधी जयंती मनाने का मकसद ही यही है। किसी भी व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिनका अनुसरण किया जा सके, उनकी जयंती को मनाकर हम यही कोशिश करते हैं कि उनके जो गुण हैं, उनके जो विचार हैं, उसको हम आत्मसात करें। तो मेरा कहना है कि गांधी जी को माल्यार्पण कर देने से, गांधी जी के मूर्ति पे धूप अगरबत्ती दिखा देने से गांधी जयंती नहीं मनाई जा सकती। गांधी जी के इतने सारे विचारों में से, इतने सारे सद्गुणों में से, इतने सारे सद आचरण से कुछ भी अपने जीवन में करें, यही गांधी जयंती मनाने का उद्देश्य है और यही होना भी चाहिए। आज मेरा गला खराब है, लेकिन मुझे गांधी जी का वो भजन वैष्णव जन तो देने कहिए बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है, और मैं ये अक्सर सुबह में इस भजन को गाती हूँ। और चाहती हूँ कि मैं तो गा नहीं पाऊंगी आज, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ जैसे भी, लेकिन मैं वैष्णव जन तो आपके सामने गांधी जी के को याद करते हुए जैसा भी कर सकूं। यहाँ पे कैसा गाया ये देखने के लिए नहीं है, क्या शब्द हैं, किसको क्या, उस शब्द को समझिए, उस भाव को समझिए। और मुझे लगता है कि मेरी गायकी पे ध्यान ना देके उस शब्द को आप लोग। नमस्कार।